गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का वीडियो आपने देखा जिसमें मुख्यतः वर्षा के प्रकार, बादलों के प्रकार, वर्षा के होने की स्थिति, जल चक्र आदि के बारे में बताया गया था। उससे पहले के वीडियो में आपको एक बार सूर्य ताप जो बिंदु था उसके विषय में बताया गया था। उसी टॉपिक का एक बिंदु अपना जोड़ लेते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन और ऊष्मा बजट के बारे में। देखिए मुख्यतः भूमंडलीय ऊष्मन है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो तापमान है वो लगभग एक समान सा रहता है, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है वो लगभग कैसा रहता है, एक समान। तो जिसका प्रधान कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप यानी सूर्य ताप, और जो हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी के द्वारा छोड़े जाने वाले विकिरण, और पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाले जो विकिरण है उनको कहा जाता है कौन सा विकिरण, पार्थिव विकिरण, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर तापमान लगभग हमेशा क्या रहता है, एक समान। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी को जो सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप है वो ताप, और हमारी पृथ्वी के द्वारा छोड़े जाने वाले विकिरण यानी जो पार्थिव विकिरण है, इन दोनों की मात्रा हमेशा कैसी रहती है, एक समान रहती है। यानी सूर्य ताप में एक बिंदु आया था कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े जाने वाले जो विकिरणों की मात्रा है, हमारी पृथ्वी पर उन विकिरणों का केवल कौन सा भाग, 2/4 भाग। बताया था मैंने आपको कि भाई सूर्य की जो विकिरण है वो सूर्य से यहां तक 8:22 में पहुंचती है, और सूर्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली जो विकिरणें हैं उन विकिरणों का कौन सा भाग हमारे पास पहुंच पाता है, 2/4 भाग ही हमें प्राप्त होता है। यानी सूर्य ताप या सूर्य के जो विकिरणें हमारे यहां पर आती हैं वायुमंडल या जो अपना जो धरातल है इसके द्वारा थोड़े से अंश का आता, थोड़ा सा अंश है सूर्य ताप का, केवल कितना, 2/4 भाग। इस थोड़े से अंश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस प्रक्रिया में चला जाता है, अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन। ये जो तीन क्रियाएं हैं, इन तीन क्रियाओं के अंतर्गत जो मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि वायुमंडल और पृथ्वी के धरातल के द्वारा छोड़े जाने वाले इन विकिरणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन तीनों के अंतर्गत चला गया, अवशोषण में, प्रकीर्णन में और परावर्तन में। पहले इनको समझ लें फिर आगे देखें कितना प्रतिशत किसमें जाता है। अवशोषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, सोख लेना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, बिखेर देना। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटा जाना, वापस लौटा देना या वापस ले जाना, लौट जाना। अवशोषण इकट्ठा करना, सोख लेना, प्रकीर्णन फैलाव, बिखराव या फिर परावर्तन जो है इस परावर्तन का क्या अभिप्राय है, लौट जाना। देखो किस प्रकार से क्या होता है, भाई मान लिया हमारे वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर हमने मान लिया कि सूर्य ताप की कितनी इकाई,
सौ इकाई हमें प्राप्त होती है। जितना भी आता है अपन उसे क्या मान के चले, सौ इकाई। भाई वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसे ऊपरी परत पर हमें सूर्य ताप की कितनी इकाई प्राप्त होती है, सौ इकाई प्राप्त होती है। इसमें से केवल 51 इकाई का ताप ही, 100 इकाई में से कितनी इकाई, केवल 51 इकाई ताप ही कहां पर पहुंच पाता है, हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो वायुमंडल की ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत पर जो सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है उसे हमने कितनी इकाई मान लिया, 100 इकाई। उस ऊपरी परत से धरातल पर आने में या हमारी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला जो सूर्य ताप है वो 100 इकाई में से केवल कितनी इकाई प्राप्त हो रहा है, 51 इकाई प्राप्त हो रहा है। फिर 49 इकाई कहां चला गया, 49 इकाई का क्या हो गया, परावर्तन अंतरिक्ष में वापस लौट गई 51 इकाइयां, यानी 35 जो इकाइयां हैं, ध्यान दीजिएगा 49 इकाई क्या हुई, वायुमंडल अंतरिक्ष इनसे वापस लौट गए, इनमें परिवर्तन हो गया। 35 इकाई तो ध्यान दीजिए, इनमें से 35 इकाई तो ऐसी हैं जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। किनमें से, 49 में से। अरे समझ में कि भाई 100% इकाई वायुमंडल की ऊपरी परत पर हमारे को ताप प्राप्त हुआ कितना, 100 इकाई। पृथ्वी पर प्राप्त हुआ कितना, 51 इकाई। नष्ट हो गया कितना, 100 में से 51 गए तो कितने बचे, 49 जो इकाई है वो नष्ट हो गया अपने लिए, तो यानी उसका क्या हो गया, परावर्तन। कैसे हुआ परावर्तन, कि जो 35% जो इकाई है ये 35% इकाई तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई। कैसे, इस 35 में से 6 इकाइयां तो कहां पर, अंतरिक्ष में। 2700 इकाइयां हैं वो बादलों के द्वारा परावर्तित हो गई, ठीक है, और 2 इकाइयां पृथ्वी के द्वारा हो गई ना, टोटल 35। समझ में आ रहा है, फिर से देखो कि 100 इकाइयां प्राप्त हुई कहां पर, धरातल पर नहीं, वायुमंडल की ऊपरी परत पर। आ रहा है समझ में, पृथ्वी पर पहुंची कितनी, 51 इकाई। 100 में से 51 गए तो कितने बचे, 49। 49 का क्या हो गया, परावर्तन। कैसे कैसे हुआ, 49 में देखो 35% जो इकाई थी वो तो वायुमंडल और अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई। कैसे कैसे, 35 में से 6 तो चले गए अंतरिक्ष में, 27 बादलों के ताप के द्वारा परावर्तन हो गया, और 2 का परावर्तन हो गया कहां, पृथ्वी के द्वारा। अब देखिए सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को, एक प्रश्न है कई बार पूछा जाता है, एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो क्या है, तो सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा, सूर्य के विकिरणों की जो मात्रा वापस लौट जाती है उसे कहा जाता है पृथ्वी का एल्बिडो। आ रहा है समझ में, तो पृथ्वी का एल्बिडो, तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कह दिया गया। अब देखो हमारे धरातल पर कितनी इकाइयां पहुंच रही हैं, 51% इकाइयां हमारे धरातल पहुंच रही है, 35 तो इकाइयां ये हो गई ना, इनका हिसाब यहां पर आ गया अपने पास, भाई 6 इकाई तो अंतरिक्ष में चली गई, 27 इकाइयां थी वो बादलों में ताप द्वारा परिवर्तन हो गया, 2 इकाइयों का पृथ्वी के द्वारा, बची कितनी, अब देखो 35 गई तो 100 में से हमारे पास में 65 इकाइयां बची हैं, टोटल नष्ट भी हो गई जो पृथ्वी पर आ गई वो भी सारी आ गई इसमें। अब देखो हमारी पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से कितना प्राप्त होता है, हमारी पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है ताप कितना, 35 इकाई, और 17 जो इकाई है, सॉरी 34%, और 17 जो इकाइयां हैं उनसे क्या होता है, दिवा प्रकाश, वितरित दिवा प्रकाश, दिन के समय में जो प्रकाश होता है उसमें कितनी इकाइयां लग जाती हैं, 17%, कितनी हो गई,
यानी हमारी पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से कितनी इकाइयां प्राप्त होती हैं? 34%। और दिन के समय में जो ये प्रकाश होता है वो किसके कारण? सूर्य के विकिरणों के कारण हुआ। उसमें कितनी इकाइयां लग जाती है? 17% इकाइयां लग जाती है। तो 51% ये हो गया। 35 का हिसाब हमारे पास यहां पर आ गया था, आया था नहीं भाई, 6 अंतरिक्ष में चली गई, 27 बादलों के द्वारा, 2 पृथ्वी, टोटल कितना हो गया हमारे पास में? हो गया 50, 30, 80 और 86% इकाइयों का हिसाब हो गया। अब बची कितनी? 14% इकाइयां बची। 14% जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के अंतर्गत सूर्य को जो विकिरण है, यानी जो प्रवेशी सूर्य विकिरण है, उनका अवशोषण, जो अवशोषण होता है वो अवशोषण तो होगा ना, वो अवशोषण की प्रक्रिया ये 34%। ध्यान दीजिएगा कि 86 हो गए, 14% है, 14% का क्या हो गया? अवशोषण की स्थिति बन गई, यानी 14% का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। ये अवशोषण की स्थिति, ये मुख्यतः वायुमंडलीय है, जो उष्मा बदल भी अपन कह सकते हैं इसको, या भूमंडलीय है, उष्मा संतुलन की स्थिति भी से कह सकते हैं। फिर से देख लो एक बार, देखो एक प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा, हमारे धरातल पर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा मान लो कितनी बताई मैंने? 100%। 100% में से देखो हिसाब, देखो 100% का कि जो बादलों में परावर्तन हुआ, बादलों में परावर्तन कितना? 27। अंतरिक्ष में परावर्तन हुआ कितने प्रतिशत का? 6% का। पृथ्वी के द्वारा परावर्तन हुआ कितना? 2% का। यानी 35% तो 100 में से ये चले गए, बिल्कुल सिंपल हिसाब है। 100 में 35 गए तो कितने बचे? 65 बचे। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ हमारी पृथ्वी को कितना प्रतिशत? 34%। और वितरित दिवा प्रकाश, दिन के समय में जो ये प्रकाश फैलता है, जो ये उजाला है, ये दिवा प्रकाश की स्थिति में कितना प्रकाश काम में आया, कितना विकिरण काम में आई? 17%। तो 34 और 17, 51% ये हो गया। 35 का हिसाब ये था, कितना हो गया? 86% हो गया। बचा कितना? 14%। अब देखो 14% वायुमंडल के ताप बजट में, एक तो जो प्रवेशी सौर विकिरण है उनका प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण, और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के द्वारा प्राप्त, अरे समझ में? तो मुख्यतः 14% तो कौन सी हो गई? प्रवेशी सौर विकिरण का प्रत्यक्ष जो अवशोषण हुआ वह कितने हो गए? 14%। 86 और 14 कितने हो गए? 100% का ये हिसाब हो गया। ये क्या है? ये उष्मा बदल है, ये भूमंडलीय उष्मन की स्थिति। एक बार फिर से ठीक ढंग से देखिएगा, उष्मा बदल भूमंडलीय उष्मन के बारे में बिल्कुल सामान्य सा बिंदु है, ठीक प्रकार ध्यान दीजिए। देखिए मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर, मैं बता रहा था आपको कि हमारी पृथ्वी पर औसत तापमान, हमारी पृथ्वी पर औसत तापमान है वो लगभग कैसा रहता है? एक समान। एक समान मतलब कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ताप है, सूर्य के विकिरणों से जो ताप हमारे को प्राप्त होता है वो, और हमारे पृथ्वी की जो विकिरण है यानी पार्थिव विकिरण है, यानी पृथ्वी के द्वारा छोड़ने जाने वाली विकिरण, उनकी मात्रा लगभग एक समान है। यानी जितना सूर्य ताप हमारी पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है उतना ही हमारी पृथ्वी पार्थिव विकिरण दे रही है, दोनों की मात्रा एक समान है। कैसे भाई? जो सूर्य ताप है हमारी पृथ्वी पर, सूर्य के द्वारा दी जाने वाली जो सौर विकिरण है, वो सौर विकिरण की मात्रा का केवल कितना प्रतिशत है? 2/4 भाग ही हमारे पास में आता है। पहले आपने बताया कि 8 मिनट 22 सेकंड के अंदर ये सारी बातें हो चुकी थी अपने, तो 2/4 भाग हमारे पास में पहुंचता है। अब ये जो 2/4 भाग हमारे पास में पहुंचा, वायुमंडल और पृथ्वी के धरातल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा और हमारी पृथ्वी के धरातल के द्वारा, ये जो थोड़ा सा अंश यानी 2/4 भाग हमारे पास पहुंच रहा है, मुख्यतः इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन प्रक्रियाओं में अवशोषण, प्रकीर्णन, परावर्तन,
इन तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हो जाता है। कैसे भाई? हमने ये माना कि वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है उस पर हमारे को कितना प्रतिशत इकाई प्राप्त होती है, 100% इकाई प्राप्त होती है, जिसमें से हमारी पृथ्वी पर केवल कितनी इकाइयां पहुंचती हैं, 51 इकाइयां। 49% जो ताप है वो तो हमारे लिए नष्ट हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से? देखिए, प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा मैंने बताई आपको, कितनी इकाई मानी हमने, 100 इकाई माना, भाई 100 इकाई हमारे को प्राप्त होती है। इसमें से देखो, प्रकीर्णन व परावर्तन द्वारा, प्रकीर्णन का मतलब बताया था मुझे फैलाव, और परावर्तन का मतलब बताया था मुझे लौट जाना। तो देखो, एक तो बादलों से परावर्तित, एक अंतरिक्ष में परावर्तित, और एक वायुमंडल के द्वारा शून्य में प्रकीर्णन फैला। देखिए किस रूप में, देखिए मुख्यतः ये जो धरातल से परावर्तित, बादलों से परावर्तित और वायुमंडल द्वारा शून्य में प्रकीर्णन होना, इसमें देखो कितना कितना प्रतिशत लग जाता है। बादलों से परावर्तित होता है कितना इकाई, 27 इकाई। धरातल से 2 इकाई, वायुमंडल के द्वारा 6 इकाई, यानी टोटल 100 में से कितनी इकाई, 35 इकाई तो इधर चली गई। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब सौरिक विकिरण की जो शेष मात्रा बची हमारे पास में, तो 100 माइनस कितनी, 35 चली गई, तो कितनी इकाई हमारे पास से बची, हमारे पास से बची 65 इकाई। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है इसका ताप बजट देखते हैं। पृथ्वी के ताप बजट के अंतर्गत देखो, एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त, तो मैंने बताया आपको 35 इकाई प्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त होता है वो तो कितनी इकाई हो गई, सॉरी 34 जो इकाई थी वो मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो गई। और दिन के समय में जो प्रकाश होता है जिसे कहें अपने वितरित दीवा प्रकाश, ये कितना है, 17% इकाई इसमें काम में आ जाती है। कितना हो गई, 51 इकाई। 100 इकाई हमारे पास थी, उसका हिसाब चल रहा है कैसे कैसे खर्च होती है सूर्य का ताप हमारे यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ 34% इकाई, और वितरित दीवा प्रकाश कितने प्रतिशत, 17%। कोई दिक्कत? अब देखिए मुख्यतः वायुमंडल का ताप बजट, वायुमंडल ताप बजट बचा कितना, 35 तो ये चला गया, 51 ये खर्च हो गया, टोटल हो गया 86, यानी 35 + 51 किसमें से, 100 में बची कितनी इकाई हमारे पास में, 14 इकाई हमारे पास में शेष बची है। सही है बिल्कुल। अब देखो, प्रवेशी सौर विकिरण का प्रत्यक्ष जो अवशोषण है वह प्रत्यक्ष अवशोषण कितना प्रतिशत है, 14% है।
यानी ये जो स्थिति आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये मुख्यतः उष्मा बजट को या भूमंडलीय उष्मन को दर्शाती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाला जो ताप है, या फिर अपन ये कहें कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण है उनसे प्राप्त जो भी ये मात्रा है, ये मात्रा क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, संपूर्ण होती है। आगे ध्यान दीजिए, ये था अपना प्रवेशी सौर विकिरण वगैरह या भूमंडलीय उष्मन और उष्मा बजट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ठीक प्रकार से। एक बार आप इनका अध्ययन करोगे भाई कितना 100% इकाई प्राप्त हुई, यानी हमारे को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, ये उष्मा बजट है। आगे ध्यान दीजिए, तो ये पहले जो सूर्य ताप का लेसन आपका हुआ था, ये बिंदु भी भूमंडलीय उष्मन और उष्मा बजट भी उसी का बिंदु है, दोनों एक ही लेसन के अंतर्गत हैं। दोनों लेसन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य ताप क्या होता है, सूर्य ताप किसे कहें, सूर्य ताप देखिए मुख्यतः सूर्य के द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित तथा प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो ऊर्जा है, एक सामान्य अर्थ में तो सूर्य से प्राप्त होने वाला था, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणें, लेकिन वास्तविक परिभाषा सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित और प्रकाश की गति से हमारी पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सूर्य ताप। एक आया था अपसूर उपसूर, देखिए ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको आपको याद करना है, आपको ध्यान में रखना है। अपसूर देखिए मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम जो दूरी बात आई थी 4 जुलाई को, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है पृथ्वी से सूर्य। तो जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, अपसूर। और 3 जनवरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, केवल कितनी रहती है, 14.7, और वास्तविक कितनी है, 14.7 करोड़ 3 जनवरी को, जब दूरी कम हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उपसौर अधिक हो जाती है, अपसौर। उपसौर होता है कब, 3 जनवरी को, अपसौर होता है कब, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर, 3 जनवरी उपसूर के समय दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर, वास्तविक दूरी 14,04,70,000 किलोमीटर। अरे समझ में, एक आया था संवहन शब्द आया था लेसन में, किसे कहते हैं संवहन, वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया, एक तो तापमान की ये स्थिति और एक तापमान की ये स्थिति नीचे से ऊपर की ओर, लंबवत जो तापन की प्रक्रिया होती है वो लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। और क्षेत्र जो होता है वो भाई लंबवत जो तापन की प्रक्रिया होगी उसको तो हमने संवहन कह दिया, लेकिन क्षेत्र जो होता है वो उसे कहेंगे हम क्या, अभिवहन। लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन और क्षेत्र तापन की प्रक्रिया अभिवहन। एक आया था समताप रेखा, एक आया था समदाब रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखा, और समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखा। एक अभी कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने
एल्बिडो। कई बार प्रश्न पूछा है ये कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है, पृथ्वी का एल्बिडो कहीं किसे या पृथ्वी के एल्बिडो से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सौर विकिरण के जो परावर्तित जो मात्रा है, सौर विकिरण की परावर्तित जो मात्रा है, उस परावर्तित मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? मुख्यतः पृथ्वी के एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का बिंदु था अपना ऊष्मा बजट, इसके अतिरिक्त भूमंडलीय ऊष्मन और सूर्य ताप के बारे में जो भी सामान्य जानकारी, दोनों बिंदु सूर्य ताप से संबंधित थे। ठीक प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूं, जहां भी आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा माइनर भी, यदि आपको ऐसा लगे कि मेरे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर इस बिंदु में कहीं दिक्कत है, तो आप बेझिझक जो भी डाउट है उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं, दोबारा पढ़ाओ या ये बात समझ में नहीं आई फिर से बताओ, निश्चित रूप से अगले वीडियो में आपको उसका हल मिलेगा, पक्की बात है 100%। लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा भाई क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और ये संभव है जब आप रिवीजन करोगे, बार बार वीडियो देखोगे। मैंने देखा व्यूअर्स रिपोर्ट है वो बहुत कम आ रही है, जितनी संख्या है उसके 50% बच्चे भी शायद नहीं देख पा रहे। तो मुझे देखो, जब आप देखोगे, जब आप जुड़ोगे, तब जाकर के आपको लगने लगेगा हाँ भाई ठीक चल रहा है, अपने को समझ में आ रहा है। आज वीडियो देख लिया, फिर तीन वीडियो आगे के नहीं देखे, फिर देख लिए, तो एक श्रेणी टूट गई। मैंने शुरू में पहला जो वीडियो भेजा था उसमें आपने बताया था मैंने कि ज्योग्राफी एक श्रेणी क्रम का अध्ययन है, एक श्रृंखलाबद्ध अध्ययन है, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। अब ये टॉपिक भी उसी बच्चे को समझ में आया होगा आज वाला भी, जिसने सूर्य ताप का वीडियो पढ़ा होगा, सूर्य ताप का वीडियो देखा होगा। तो निश्चित रूप से प्रत्येक वीडियो देखने का प्रयास करें, जहां कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कल